जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन में हम लोग जानेंगे अभी हाल में जो कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं, नंबर कैसे आए हैं, नंबर को लेकर आने वाले समय में कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। हालांकि इम्पैक्ट तो अच्छा ही दिख रहा है, तकरीबन 5-5% की तेजी से स्टॉक में देखने को मिलने लगी है और बहुत जल्द ये कंपनी का शेयर प्राइस उम्मीद है कि जो अभी 663 रुपये 700 के करीब पहुंचने वाला है। जिस तरीके से कंपनी के चार्ट पर जो संकेत बन रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी अपडेट करेंगे, यानी कि गर्मा गर्म खबर आपके लिए। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं, क्वार्टर थ्री के नंबर पर चलेंगे। उसके पहले आपको एक क्विक अपडेट देते चार्ट पर क्या संकेत बन रहा है। आप देखेंगे कंपनी के शेयर प्राइस एकदम कंसोलिडेशन रेंज में भी फंसा हुआ है, कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। तकरीबन ये 630 से लेके ये 600 आपको 70-80 का एरिया है, इसके बीच में स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है और आपको एकदम ध्यान देना है क्योंकि शेयर प्राइस एकदम क्रूशियल जोन पे है और जैसे इस स्टॉक का जो इस कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट होगा, ये स्टॉक का प्राइस इजिली आपको 700 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। बहुत कम समय में आप इस स्टॉक में 700 के लिए जा सकते हैं। यदि किसी ने हाल फिलहाल में इसमें इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसको इसमें रुकने की सलाह दी जाएगी, बाहर निकलने की गलती मत कीजिएगा। बहुत क्रूशियल जोन पे इस स्टॉक का प्राइस फंसा हुआ है, बहुत जल्द इसमें आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा और प्राइस 700 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट पे और यहाँ पे हम लोग कंपनी के क्वार्टर थ्री के जो नंबर आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के सेल्स का। दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का सेल्स हुआ है ओवरऑल देखेंगे तो 1732 करोड़ का सेल्स हुआ है। सिर्फ मैं ये जो भी हाल में रिजल्ट है इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो अच्छा खासा आपको बढ़ते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर में जहाँ सिर्फ 1400 करोड़ और उसके पहले भी 1400 करोड़ और उसके पहले भी 1600 के आसपास था, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो एक लंबा कह सकते हैं कि टाइम पीरियड के बाद कंपनी का जो सेल्स है बढ़ के 1700 के पार गया है और ये सेल्स बढ़ा है। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कंपनी का जो शेयर जो मतलब जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, उसमें कंपनी के ग्रोथ होने के चांस हैं कहीं ना कहीं, तब हमें सेल्स में आपको इजाफा होते हुए दिखा है। सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, यहाँ पर जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हल्का बढ़ते हुए दिखा है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये 1% से आपको डिक्लाइन होते हुए दिखा है। यहाँ पर देखिए 16% था और इस बार सिर्फ 15% पर है, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आपको 233 से 260 करोड़ हुआ है क्योंकि जो कंपनी का अदर इनकम है, अदर इनकम आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो जब कंपनी का अदर इनकम मतलब साइड से यदि कुछ कंपनी काम करती है और उससे जो पैसा आता है तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, यहाँ पे जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यानी कि जो पैसा टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। शानदार मतलब इजाफा होते हुए दिखा है नेट प्रॉफिट में, ट्रिपल डिजिट में ये पहुंचते हुए दिखा है कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार। पहले जहां सिर्फ डबल डिजिट में हो रहा था पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले, उससे बढ़ के कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट है कि कंपनी का शेयर प्राइस आपको तकरीबन 5% के आसपास सर्किट में जो देखने को मिल रहा है इस तेजी से स्टॉक में, तो ये तेजी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। और जिसमें बताया कंपनी का शेयर प्राइस इजीली आपको 700 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। इसके अलावा कुछ अच्छी अपडेट्स की बात करें तो जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो आप देखेंगे कि जो कंपनी के में जो FII की हिस्सेदारी है जो विदेशी निवेशक है उनका स्टेक्स इस बार बढ़ते हुए दिखा है, 10.83% हो गया है 10.58 से बढ़ के, यानी कि कंपनी में विदेशी निवेशक इंटरेस्टेड हैं। और जो केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है इसमें देखेंगे तो ये ओवरऑल क्योंकि विदेशों तक में इसका व्यापार होता है तो जाहिर सी बात है विदेशी निवेशक इसके प्रति आकर्षित होते हैं और हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भी इस स्टॉक में 15.82 के आसपास है। हालांकि गवर्नमेंट का स्टेक भी इसमें आपको बढ़ते हुए दिखा है, 0.01 से बढ़कर 0.02 हो गया। जो मेन चीज़ है ना, जैसे जो विदेशी निवेशक हैं और जो गवर्नमेंट है उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए और इन दोनों की हिस्सेदारी इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में बढ़ते हुए दिखी है, तो ये एक अच्छा अपडेट है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि इसमें जिस मेजर जिसकी हिस्सेदारी मेजर तो नहीं कहेंगे लेकिन यदि गवर्नमेंट और FII चूंकि काफ़ी काम के चीज़ होते हैं इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही तो ये अच्छा माना जाता है। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जो अपडेट थी मैंने आपको दिया, मैं उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।